हनुमानगढ़ में कोरोना वायरस के भादरा के शेरडा में पहुंचने पर कलेक्टर एसपी ने भादरा के शेरडा में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने शनिवार को भादरा के शेरडा गांव में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने वहाँ अति आवश्यक सेवाओं और लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने कोरोना पॉजिटिव आई महिला के घर के आसपास के लोगों के सैंपल लेने और कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों को ट्रेस आउट कर उनका सैंपल लेने को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अति आवश्यक सेवाओं में दूध, सब्जी, फल, राशन, दवा, गैस सिलेंडर इत्यादि की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके में रह रहे लोगों के अति आवश्यक सामान को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसको लेकर पूरी टीम यहां लगाई जाए। साथ ही कहा कि जरूरतमंद कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर जरूरतमंदों की लिस्ट बनाकर ड्राई राशन किट वितरित की जाए। भादरा एसडीएम मुकेश बाहरट और एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा ने कलेक्टर एसपी को पूरे कर्फ्यू इलाके के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि गुरुवार 14 मई को बीकानेर भेजे गए 63 सैंपल में से एक सैंपल 15 मई को पॉजिटिव आया, जो भादरा के शेरडा की रहने वाली युवती का था। लिहाजा जिला कलेक्टर के निर्देश पर शुक्रवार रात्रि को 10:30 बजे शेरडा गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कलेक्टर एसपी के दौरे पर उनके साथ एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा, एसडीएम मुकेश बाहरट, सीओ राजीव परिहार, तहसीलदार जीतू सिंह मीणा, बीसीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र भौरिया, पिरानी थाना अधिकारी राजाराम लेगा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।